dear students, welcome you all on this YouTube platform Angreji Academy. Dear students, आज का जो हमारा session होने वाला है वो हम advertisement का session करेंगे. देखिए advertisement के अंदर देखिए आपका जो section B है, composition का जो part है, section B के अंदर जो आपका पहला जो part है उसके अंदर आपसे तीन चीजें पूछी जाएंगी. एक तो देखो क्या है, एडवर्टाइजमेंट है आपका. दूसरा आपका क्या है, नोटिस है. तीसरा आपका क्या है, इनवाइटेशन, INVITATION. ये तीन चीजें हैं आपके सेक्शन बी के अंदर जो आपसे 4 मार्क्स की पूछी जाएंगी. कितने मार्क्स की पूछी जाएंगी भाई, 4 मार्क्स की पूछी जाएंगी. ये एक सिंपल सी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन. तो देखिए यहाँ जो हमारी बात आती है उसमें आपका एडवर्टाइजमेंट है, आपका नोटिस है, आपका इनविटेशन है. इनविटेशन के अंदर क्या होता है आपका, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग का आता है. ये हम इनविटेशन वाला पार्ट जैसे ही पढ़ेंगे उसमें आपको समझा देंगे. उसके बाद में नोटिस वाले जो है आपको दो चीजें ऑप्शन में मिलेंगी यहाँ पे, या तो ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला. ये तीनों चीजें यानी कि क्वेश्चन आपसे आपके दो पूछे जाएंगे आपसे, और वो और यानी कि अथवा में पूछे जाएंगे, तो उनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लेना. ओके डियर, हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट की. तो देखिए सबसे पहले हम जो बात करेंगे कि एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो कैसे कैसे आपसे पूछा जाता है. तो किस किस तरीके का जो एडवर्टाइजमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन. जिस तरह से आप टीवी में देखते हो, एडवर्टाइजमेंट देखते हो, विज्ञापन देखते हो, वो कोई चीज का पब्लिसिटी करना, उसका प्रचार प्रसार करना, उसका विज्ञापन करना, उसका एडवर्टाइजमेंट करना. दूसरा आपका जो प्रिंट मीडिया होता है, अखबारों के माध्यम से कोई चीज को शो किया जाता है, दिखाया जाता है, पब्लिक में वो चीज बताई जाती है, तो वो क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है. आपसे क्या करेंगे, आप देखना कभी भी न्यूज़पेपर जो होता है आपका आने वाला, आपके पास में कोई भी अखबार जैसे ही आता है उसमें एक जो पूरा का पूरा एक होता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जिसको अपन बोलेंगे, वो वाला एक अलग से ही पेज होता है. उसके अंदर बहुत जो टाइप्स होते हैं उनके विज्ञापन आते हैं. तो उनमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी परीक्षा में, आपकी एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरह से विज्ञापन जो है, एडवर्टाइजमेंट है, वो आपसे पूछेगा. तो सबसे पहला देखिए आपका आता है एकोमोडेशन, ACCOMODATION. एकोमोडेशन का मतलब होता है आवास. देखो आप थोड़ा सा समझना ध्यान से कि आपसे पूछेगा तो कैसे पूछेगा. सबसे पहले होता है एकोमोडेशन. एकोमोडेशन का मतलब होता है आवास. आवास आपको चाहिए, आप जो कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, किसी भी शहर में रह रहे हो, किसी भी जगह में रह रहे हो, किसी भी टाउन में रह रहे हो, आपको क्या चाहिए, आपको एकोमोडेशन चाहिए, आपको आवास चाहिए रहने के लिए. अब उसमें आप फैमिली के साथ रह रहे हो या सिंगल रह रहे हो, आपको किस तरह की सुविधाएं हैं वो चाहिए, आप किस जॉब से वहां काम कर रहे हो और किस लेवल का आपको वो जगह चाहिए, एसेंशियल फैसिलिटीज जिसको अपन बोलेंगे, जरूरतमंद जो सुविधाएं होती हैं आपकी, उनसे जो फर्निश्ड जैसा भी आपको आवास चाहिए उसके बारे में लिखोगे. एक चीज दूसरा आपका क्या आता है, टू लेट. टू लेट का मतलब क्या होता है, आपको किराए पे देना. मान लीजिए आप बहुत बड़े पैसे वाले हो और आपके शहर में, बड़े शहर में फ्लैट है, आपने बहुत सारे अलग अलग फ्लैट है वो दे रखे हैं एक बिल्डिंग में, लेकिन आपका एक फ्लैट है वो बचा हुआ है, आप उसको किराए पे देना चाह रहे हो, तो किराए पे देने के लिए, ओके, किराए पे देने के लिए आपको क्या देना है, क्या लिखना है, किराए पे देने के लिए आपको टू लेट का यूज करना है. आपके पास में जो है वो क्या है, लेटरिन बाथरूम के साथ में जो आपके रूम है 2 BHK, 1 BHK, फिर उसके बाद में अटैच किचन है या फिर सेपरेट किचन है, सेपरेट लेट बाथ है, आपके जो गार्डन है, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, वो सारे के सारी आप किस टू लेट में शो करोगे. ठीक है, आपके पास में जो भी असेंशियल फैसिलिटीज है वो आप शो करोगे और किस लोकेशन के ऊपर आपका वहां पे एडवर्टाइजमेंट
जो है आपका जो एरिया है वो किस लोकेशन पे सिचुएटेड है, स्थित है, वो उसमें शो करोगे। किस आदमी को देना चाह रहे हो, आप लोग स्टूडेंट्स को देना चाह रहे हो या फैमिली वाले को देना चाह रहे हो या जो भी कोई गवर्नमेंट जॉब वाले को देना चाह रहे हो, प्राइवेट जॉब वाले को देना चाह रहे हो, ये मेंशन आप कर सकते हो उसमें, क्योंकि ये चीजें कंपल्सरी नहीं है। बट कोई भी एडवर्टाइजमेंट, देखिए आपको ध्यान रखना है, एडवर्टाइजमेंट जो होगा एक्टिव वर्ड्स में आपको क्या करना है, वहां पे लिखना है। एक्टिव वर्ड्स का मतलब कभी भी विज्ञापन जो होगा हमेशा नीट एंड क्लीन, कोई भी उसमें काट छांट नहीं होनी चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, वो शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अखबार के अंदर कोई भी आप उसमें हर जो है जो जितनी भी साइज में आप दोगे, जितना बड़ा दोगे उतने ज्यादा पैसे लगते हैं, तो उसमें आपकी कंटेंट जो होता है, आपका जो भी बात आपको बतानी है वो एकदम स्पष्ट शब्दों में होनी चाहिए। दूसरी चीज, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि उसमें न्यूज़पेपर के अंदर कोई भी आप उसको एडवर्टाइजमेंट देते हो तो उसके पैसे लगते हैं, तो इस चीज का, इस वजह से आपको क्या ध्यान में रखना है, ये हर चीज को ध्यान में रखते हुए आपको विज्ञापन देना है। उसके बाद में देखिए यहाँ जो आता है नेक्स्ट आपका मैट्रिमोनियल, MATRIOMONIAL, मैट्रिमोनियल का मतलब क्या हो गया, वैवाहिक संबंध, जिसमें बोलेंगे हम ग्रूम होता है एक, एक होता है ब्राइड होता है। ग्रूम क्या होता है, ब्राइड क्या होता है, ग्रूम क्या मतलब दूल्हा और ब्राइड का मतलब दुल्हन, मतलब किसी को लड़की चाहिए या फिर किसी को लड़का चाहिए, लड़की जॉब कर रही है या फिर लड़का जॉब कर रहा है, वो कैसा भी उसमें मैट्रिमोनियल आप देखोगे, आपके पास में जितने भी अखबार आते हैं न्यूज़पेपर आते हैं उनमें आपका एक कॉलम देखोगे, उसमें हर कास्ट का आता है, ठीक है। उसके बाद में आपका अलग अलग जो रिलीजन होते हैं, धर्म होते हैं, उनका भी उसमें अलग अलग, जो जिस प्रकार से मैट्रिमोनियल आपका एक अलग से ही पेज आता है, उसमें उसमें सारे प्रकार के जो एडवर्टाइजमेंट आप देखोगे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से अखबारों में विज्ञापन दिया जाता है। वैसे ही दी सेम आपको अपनी नोटबुक में, आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है, क्या करने के लिए, मैट्रिमोनियल। अगर आपको रिक्वायर है उसकी गर्ल्स की तो आप लोग क्या लिखोगे वहां पे, आपको वहां पे ब्राइड वांटेड लिखना है, या फिर दूसरा आपको अगर बॉय सर्च है लुकिंग फॉर ए बॉय तो आपको वहां पे ग्रूम वांटेड लिखना है। इस तरह से हमें ऊपर ही ऊपर जो बड़े अक्षर में हेडिंग में ये लिखना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका आता है वो आ गया सेल एंड परचेज का, सेल एंड PURCHASE, सेल एंड परचेज का मतलब क्या हो गया, आपने कोई भी चीज आपको बिक्री करनी, आजकल होता ना ऑनलाइन के, आजकल तो क्या हो गया ऑनलाइन का जमाना आ गया, इस वजह से OLX होता है उस पर डालो और आपकी जो गाड़ी है मान लीजिए आपके पास में, आप बेचना चाहते हो उस पर डालो, आपके पास में कॉल आ जाएगा और वो ले जाएंगे, आपको पैसे दे जाएंगे। बट ये जो है वो वाला हमारा ऑनलाइन सिस्टम है नहीं इसमें, बिकॉज हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रिंट मीडिया होता है, अखबार होता है, उसके माध्यम से हम आपको यहाँ पे समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पे सेल हो गया, यानी कि आपके पास में कोई भी चीज है जिसको आप बेचना चाह रहे हो, आपके पास में पुरानी गाड़ी है वो बेचना चाह रहे हो, आपके पास में मकान है, बिल्डिंग है, वो बेचना चाह रहे हो। उसके बाद में या फिर आप खरीदना चाह रहे हो, किस प्रकार की आपको चीज चाहिए वो उस पर आप लोगों लिखवाओगे उसमें कि फला फला ये मेरा नाम है और मुझे ये वाली चीज चाहिए, ऐसी सिचुएशन चाहिए, इतने पैसे लगभग होने चाहिए, तो ये वाली चीज आप अखबार में निकलाओगे तो वो आपके पास में ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्ट कर लेंगे और वो आपको चीज मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे सेल हो गया, परचेज हो गया, ओके। उसके बाद में जो 5 नंबर पे आपका आता है सेल परचेज के बाद में आपका लॉस्ट एंड फाउंड का आता है, कौन सा आ गया, लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड का मतलब क्या हो गया, आपके पास में कोई चीज है वो खो गई और आपको पता है कि भाई कहाँ खो गई है, उसके लिए आप क्या करोगे, एडवर्टाइजमेंट में दोगे कि ये वाला बैग है फुल ऑफ रुपीज या फिर फुल ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, फला फला जगह पे खो गया है, तो जिसको किसी को मिले तो कॉन्टेक्ट। कई बार होता है ना आप लोग इस पे व्हाट्सएप पे भी शेयर करते हो कि ये आदमी का बैग खो गया है, डॉक्यूमेंट्स खो गया है, वो फिर वो आगे से आगे चाहे उसको मिल जाए बसरते, लेकिन हम क्या करेंगे आगे से आगे उसको शेयर करते रहेंगे, वो बेचारा मिल गया उसको दुखी हो जाता है, वो कह रहे मेरे को तो मिल गया, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं उसको शेयर करते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया लॉस्ट एंड फाउंड का, या फिर आपको कोई चीज मिलती है ऐसी तो आप उसको बोलोगे कि भाई मुझे ये वाली चीज इस जगह पे मिली है, जो कोई भी इसका मालिक है ओनर है कॉन्टेक्ट में, बस सीधा सिंपल सी बात है, ये आपका क्या हो गया लॉस्ट एंड फाउंड का हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है सिचुएशन, SITUATION,
सिचुएशन के अंदर देखो, एक तो क्या होता है सिचुएशन वांटेड होता है, एक सिचुएशन वैकेंट होता है। सिचुएशन का मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए जॉब देने के लिए जॉब लेने के लिए दो चीजें इसके अंदर, सिचुएशन में क्या हो गया जॉब देने के लिए या फिर जॉब लेने के लिए, आप सर्च कर रहे हो क्या जॉब की, आपको तलाश, आपके पास में अच्छी डिग्री है, आपके पास में आपको एक कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी चाहिए, आपको एक लेक्चरर की नौकरी चाहिए, आपको एक जो इंजीनियर है डिप्टी मैनेजर की पोस्ट चाहिए, तो उसके लिए आप सर्च करोगे, लिखोगे कि भाई मैं इस क्वालिफाइड हूं, ये वाली मेरी क्वालिफिकेशन है, मुझे इस चीज की जॉब है कोई भी, एनीवे आप लोग किसी को भी उसमें विज्ञापन में निकलाओगे और आपको कोई ना कोई कॉन्टेक्ट कर लेगा, तो वो तो क्या होगी सिचुएशन वांटेड होगी, उसकी आवश्यकता है। दूसरा क्या हो गया सिचुएशन वैकेंट, आप एक बहुत बड़ी संस्था चलाते हो और उसमें आपको इंग्लिश के टीचर की आवश्यकता है, फिजिक्स के टीचर की आवश्यकता है, मैथमेटिक्स के टीचर की आवश्यकता है, तो आप क्या करोगे उसको लिखोगे उसमें विज्ञापन में कि सिचुएशन वैकेंट है, हमारे यहाँ फिजिक्स लेक्चर की जो है पोस्ट है वो वैकेंट है, हम इतने रुपए 40,000-30,000 रुपीज दे सकते हैं, जितने भी आपके पास में है वो टर्म्स एंड कंडीशन आप वहां लिखोगे और कोई ना कोई आके आपसे क्या कर लेगा कॉन्टेक्ट कर लेगा। तो देखिए आपको आपके एग्जाम में पूछने का ये तरीका है, तो अब हम क्या करेंगे इनको एक एक न लेके कुछ चीजें आपको समझाता हूं, मैं बताता हूं, देखता हूं आपको कैसे लिखना है विज्ञापन का, जो लिखने का तरीका आपको मैं बताता हूं, फिर कैसा भी आए, कैसा भी विज्ञापन आए आप उसको आराम से कर दोगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना मैं वापस आपको बता रहा हूं, अकोमोडेशन का मतलब जहां कहीं भी आवास चाहिए या फिर आवास आपको देना है किराए पे किसी को भी, तो क्या लिखोगे टू लेट लिखोगे, किराए पे देने के लिए टू लेट, शहरों में आप जब भी जाते हो देखते हो ना लिखा होता है फॉर टू लेट, यानी कि किराए पे देने के लिए। दूसरा यहाँ पे आपको आवास चाहिए तो एकोमोडेशन लिखोगे। देखो लिखने का जो आपका जो तरीका होगा वो ये, जैसे कि मान लीजिए फॉर्मेट है आपका, तो यहाँ पे इस फॉर्मेट में ऊपर ही ऊपर अगर आपको आवास देना है तो कैपिटल जो अक्षर है ठीक है उसमें ये वाली लिखोगे, यहाँ पे अकोमोडेशन, यहाँ क्या लिखोगे अकोमोडेशन आवास। दूसरी चीज अगर आपको किराए पे देना है तो क्या लिखोगे टू लेट, समझते जाना मेरी बात, किराए पे देना है तो क्या लिखोगे टू लेट, इस तरह से मतलब आप लोग लिखोगे अपने नोटबुक के अंदर और ये चारों तरफ से इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा उसको ये जो लाइन डाल के स्केल डाल के आपको क्या करना है स्केल से लाइनिंग डाल के पूरे जो बॉर्डर है उसको कवर करके रखना पड़ेगा। ओके किराए पे देने के लिए यहां क्या आएगा टू लेट कैपिटल जो है वर्ड में आपको लिखना है। उसके बाद में जो आपका मेट्रोमोनियल आता है, मेट्रोमोनियल का मतलब मैंने अभी आपको बताया था विवाहित जो संबंधित जो भी आप लोग देना चाहते हो यानी कि सर्च करे हो फीमेल, तो यहां पे क्या जाएगा ब्राइड वांटेड। अगर वहां पे आपको मेल सर्च कर रहे हो तो क्या जाएगा ग्रूम वांटेड, ये ध्यान रखना ग्रूम दूल्हा ब्राइड दुल्हन ये दोनों वर्ड आप याद करके रखना, यहां पे क्या आ जाएगा ब्राइड। अगर आपको आवश्यकता है किसकी, जिस चीज की आवश्यकता है वही चीज यहाँ पे ऊपर ही ऊपर आएगी, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में डियर देखिए सेल और परचेज, तो सेल का मतलब बिक्री, आपको कोई चीज बेचनी है तो वहां क्या आ गया सेल, और आपको खरीदनी है तो यहाँ क्या आ गया परचेज। क्लियर हो रहा ना, समझ में आ रहा ना। उसके बाद में अगर कोई चीज आपकी खो गई है तो यहां आएगा लॉस्ट, और अगर आपको कोई चीज मिल गई है तो आप यहां लिखोगे फाउंड, समझ आया। उसके बाद में सिचुएशन, तो यहां सिचुएशन बड़े अक्षर में लिखोगे, सिचुएशन अगर आपको तलाश कर रहे हो किसी जॉब की तो सिचुएशन वांटेड आ जाएगा, और आपके पास में किसी को देने के लिए जॉब है, आप एक संस्था के मालिक हो, वो सब के सब आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा, जैसे ही आप क्वेश्चन लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा, देखोगे प्रश्न देखोगे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको देखोगे तो पता चल जाएगा कि क्या पूछना चाह रहा है इसमें। यू आर लुकिंग फॉर, एक तो कुछ जो वर्ड्स है ना वो आपको ध्यान रखना है, एक तो देखो ये होता है लुक फॉर LOOK, लुक फॉर Look for, search, search, look for करना, search करना, यानी कि you are looking for a flat, ठीक है 2 BHK, 1 BHK, 3 BHK with all essential facilities at, कहीं पर भी, इसका मतलब आपको क्या चाहिए भाई accommodation चाहिए, तो आपका यहाँ क्या आ गया accommodation आ गया।
दूसरा आपका क्या है, टू लेट, किराए पे देने के लिए। यू आर रमेश, यू हैव ए फ्लैट इन विच टू रूम सेट, टू रूम सेट्स, ओके। वहां पे टू रूम सेट क्या है, वैकेंट है वहां पे आपको देने के लिए है, किराए पे देने के लिए। वन टू गिव ऑन रेंट, तो वहां पे आप क्या लिखोगे, टू लेट लिख दोगे, राइट। उसके बाद में मैट्रिमोनियल के बाद में क्या होगा, यू आर रमेश लुकिंग फॉर ए बॉय, ठीक है, फॉर योर सिस्टर, फॉर योर डॉटर, जिसके लिए भी आप सर्च कर रहे हो, लुक फॉर का मतलब तलाश रहे हो, आप सर्चिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ब्राइड आ जाएगा। और यहाँ पे अगर वहां पे बॉय ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे क्या जाएगा, आपके जो है जिसमें ग्रूम आ जाएगा, और लड़की ढूंढ रहे हो तो ब्राइड आ जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना आपको। उसके बाद में लॉस्ट आ गया, फाउंड आ गया, सिचुएशन, ये सारी सारी चीजें हैं आपको इस तरह से लिखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पर, और क्वेश्चन के बाद में हम आपको समझाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन है वो कैसे, ओके डियर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझना है। यू हैव एन एक्स्ट्रा हाउस, यू वांट टू गिव इट ऑन रेंट, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट टू बी गिवन इन ए लोकल न्यूज़पेपर। देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट टू बी गिवन इन ए लोकल न्यूज़पेपर, किसी भी लोकल न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टाइजमेंट क्या करना है, पब्लिश करवाना है। उसके बाद में आपके पास में क्या है, एक एक्स्ट्रा हाउस है कहीं पर भी, जो एड्रेस इसमें दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, आप एड्रेस बना सकते हो। या तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में एड्रेस दे देता है, नहीं भी दे तो कोई भी एक अच्छा सा एड्रेस अपने मन में प्रिपेयर करके रखना, और वो क्वेश्चन वहां पे एडवर्टाइजमेंट जो है, वो वहां पे एड्रेस जो है उस एडवर्टाइजमेंट में आपको लिख देना है। तो आपके पास में क्या है, एक एक्स्ट्रा हाउस है और उसको आप किराए पे देना चाहते हो, गिव इट ऑन रेंट, तो किराए पे देने के लिए हमें टू लेट लिखना है। समझ आए भाई, यू आर ए बैंक मैनेजर, ओके, यू नीड्स ए रूम, टू रूम सेट, दो जो रूम सेट है वो आपको, दो कमरे हैं विद एसेंशियल फैसिलिटीज, सुविधाओं के साथ में। एसेंशियल का मतलब जरूरतमंद दो सुविधाएं होती हैं, उसके साथ में आपको क्या चाहिए, विज्ञापन आपको देना है, और आपको क्या चाहिए वहां पर, मतलब रहने के लिए आवास चाहिए। ये इतना समझ आ गया आपको, बस आपको क्या करना है, यही सेम चीज, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आपको इसमें लेके आना है। किराए पे देने के लिए टू लेट लिखोगे, और किराए पे लेने के लिए अकोमोडेशन लिखोगे, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, ये चीजें आपको क्लियर होगी। अब देखो अवेलेबल क्या है, आपके पास में लिखने वाला कौन है, आप है, आपके पास में घर है, उसको आप किराए पे देना चाह रहे हो, इसलिए हमने टू लेट लिख दिया। उसके बाद में अवेलेबल, अवेलेबल का मतलब आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है। अब क्या है, अवेलेबल टू न्यूली बिल्ट, ये आप न्यूली बिल्ट लिखोगे उसमें। नॉइसली एंड फुली फर्निश्ड, फुली फर्निश्ड का मतलब सुसज्जित, अच्छे ढंग से, ऐसा नहीं है कि टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, खंडर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक मकान जब भी आप अपनी तरफ से लिखोगे, ये चीजें आपको वहां पे थोड़ा सा उसमें लेपापोती करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, फुली फर्निश्ड। रूम सेट्स, यहाँ पे आपका क्या आ गया, यहाँ दो जो न्यूली बिल्ट हैं और नाइसली फुली फर्निश्ड हैं, रूम सेट विद अटैच्ड लेट बाथ। यहां अटैच शब्द के साथ में एक चीज, आप यहां अगर आपको अटैच नहीं चाहिए ना, तो यहां पे आप एस ई पी ई आर ए टी सेपरेट भी लिख सकते हो आप यहां पे। सेपरेट का मतलब अलग होने चाहिए लेट बाथ और किचन, समझे क्या मेरी बात। तो यहां पे आप अटैच भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, अटैच के साथ में यहाँ पे आप सेपरेट भी लिख सकते हो। समझ में आ गया आपको, ये सेपरेट है वो यहाँ आप इसमें डाल सकते हो। क्लियर हो गया भाई आपको, लेट बाथ एंड किचन, ये किराए पे देने के लिए, लेने के लिए यहाँ पे क्या लिखोगे, अवेलेबल या फिर वांटेड। अगर आपको किराए पे लेना है तो वांटेड, न्यूली बिल्ट, नाइसली फुली फर्निश्ड, रूम सेट विद अटैच या फिर सेपरेट, लेट बाथ एंड किचन विद ऑल एसेंशियल फैसिलिटीज। ऑल एसेंशियल फैसिलिटीज मैंने इसलिए लिखा है कि उसके अंदर, एसेंशियल का मतलब होता है जरूरतमंद का पूरा जो आवश्यकता है, जो चीज हमें चाहिए ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एसेंशियल का मतलब
जरूरतमंद, जैसे कि जरूरतमंद चीजें क्या होनी चाहिए, वाटर सप्लाई, तो आप यहाँ पे अगर ये एसेंशियल फैसिलिटीज नहीं लिखते हो ना, तो वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, फिर यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटीज, ये सारे सारे क्या आ गया है, एसेंशियल फैसिलिटीज में आ गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो गया डियर, विद ऑल एसेंशियल फैसिलिटीज, ये लिखना है, किराए पे दोगे तो भी ये लिखोगे, किराए पे लोगे तो भी ये लिखोगे। इसका मतलब हमारे दो तैयार हो रहे हैं ना, अकोमोडेशन वाला हो रहा है, टू लेट वाला हो रहा है। उसके बाद में एनफ स्पेस फॉर कार पार्किंग, आप गाड़ी है आपके पास में, ओके, आप गाड़ी लेके जाओगे कहाँ खड़ी करोगे, सड़क पे खड़ी करोगे क्या, इसलिए कार पार्किंग के लिए आपको अगर किराए पे दे रहे हो तो भी जगह होनी चाहिए, और ले रहे हो तो भी आपको ये वाली चीज पूछना है कि मुझे कार पार्किंग के लिए। अगर कोई ये कहे सर मेरे पास तो कार तो है नहीं तो मैं क्या करूंगा, तो कोई बात नहीं, इसमें सबके पास तो ना होता है, जरूरी नहीं होता है, तो आप उसमें थोड़ा बहुत ये वाला मेंशन करोगे। उसके बाद में सिचुएटेड, कहाँ स्थित है इसमें, यहाँ पे वो स्थित कहाँ है, तो वो जो है नियर रिंग रोड अजमेर फाटक जयपुर, ये एड्रेस है। तो मैंने आपकी कहा कहा है कि एड्रेस जो है वो कोई भी अच्छा सा अपने माइंड में रखना और वहां पे उसका एड्रेस आपको लिख देना है। देखो एक चीज का देखना, क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए कोई वहां पे दे दिया जयपुर दे दिया, ठीक है, अजमेर दे दिया, बीकानेर दे दिया, जोधपुर दे दिया, बाड़मेर दे दिया, तो इस तरह से आप लिखोगे तो एड्रेस भी वहां का जो भी है, कहां जहां भी आप लेना चाह रहे हो तो वो मेंशन आपको करना है। ओके, तो यहाँ क्या हो गया, रिंग रोड अजमेर फाटक जयपुर, ये आपका एड्रेस है। उसके बाद में रेंट, आपको रेंट मेंशन करना है, भाई इतना वाला रेंट हमें लेऊंगा, यहाँ पे किराए पे देने के लिए इतना रेंट चाहिए मुझे, ठीक है। और यहाँ पे आप कह रहे हो कि मुझे लेना, तो ऑलमोस्ट आप क्या लिखोगे, 10,000 तक का ये होना चाहिए, भाई 10,000 रुपए तक, या फिर 20,000 रुपए तक का, या फिर मान लीजिए 5,000 रुपए तक का, वो सारी सारी बातें आप यहाँ पे मेंशन करोगे, पर मंथ यानी कि हर महीने का जो रेंट लगता है वो वाला। कॉन्टेक्ट रमेश, यहाँ कोई भी रमेश गुप्ता जैसे मैंने नाम दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी कांटेक्ट करने का मतलब यहाँ अपने जो मोबाइल नंबर है वो सही नहीं लिखने हैं, कोई भी जैसे कि 9428649393, ओके, इस तरह से आप लोग यहाँ अपने मोबाइल नंबर, कांटेक्ट रमेश गुप्ता और आपके मोबाइल नंबर, ये हो गया। ईमेल एड्रेस कोई भी बना सकते हो आप लोग, या फिर आपका एड्रेस भी यहाँ दे सकते हो, और फिर उसको डियर क्या कर दोगे, चारों तरफ से यहाँ पे क्लोज करके और इसको बंद करके, है ना, और ये कंप्लीटली आपका क्या हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया। ये इस तरह से आपको विज्ञापन लिखना है, और ये आपको कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, आपसे 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। इस तरह से आप ये वाला एडवर्टाइजमेंट कर दोगे। हम एक क्या लेंगे, मेट्रोमोनियल वाला और लेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि आपको ये समझ आया कि नहीं आया। ओके डियर, जिस तरह से देख पा रहे हो आप, जो ये वाला क्वेश्चन है वो मेट्रोमोनियल का है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर रविराज इज लुकिंग फॉर ए ब्राइड फॉर हिज सन, उसके सन के लिए एक ब्राइड यानी कि फीमेल। ओके, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, कोई भी जो लोकल न्यूज़पेपर है उसमें आपको ये भी मैट्रिमोनियल का जो कॉलम है, जो भी जो वैवाहिक संबंधी जो कॉलम है उसमें आपको पब्लिश करवाना है। ओके, तो यहाँ पे आपको मैंने जैसे कि पहले बताया था, यहाँ पे अगर फीमेल रिक्वायर्ड है तो यहाँ क्या लिखोगे, ब्राइड वांटेड लिखोगे, और अगर वहां पे मेल रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे ग्रूम वांटेड लिखोगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अलायंस इनवाइटेड, क्या स्टार्टिंग कैसे करोगे, अलायंस इनवाइटेड फॉर ए हार्ड वर्किंग हैंडसम, ये यहाँ पे एज है, ये इसका ध्यान रखना है, आपको AGE ऐसे एज लिखना नहीं है। इस तरह से आपको उम्र और हाइट वाइट सब कुछ इसी तरह से आपको यहाँ इंडिकेट करना है, समझे ना, यहाँ पे आपको एज आ गई और ओब्लिक लगा कि उसमें 5 जो है उसकी जो हाइट, जो आप 180 वगैरह है, 177 है, 165 है, ऐसे आप लिख सकते हो, कोई उसमें खास बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या गया, शर्मा बॉय किसके लिए चाहिए, 4 यानी कि यहाँ पे आपको मैच करना है किसके लिए, वो यहाँ पे आपको थोड़ा मेंशन करना है। और यहाँ पे आप ये भी ले सकते हो, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, या फिर एक प्राइवेट जो भी है, जो बिजनेसमैन है, जो भी है, आप जो बिजनेस कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद में लुकिंग फॉर यानी कि आवश्यकता है, तलाश है किसकी, ये रियली ब्यूटीफुल एंड वेल एजुकेटेड गर्ल, यहाँ पे ये उस गर्ल के बारे में आप लोग यहाँ पे लिखोगे, और यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हो यानी कि उसकी एज और हाइट वगैरह भी यहाँ एज इट इज यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए 2021 यहाँ पे डाला, और 5.5 यहाँ पे आपने उसकी जो जब भी है हाइट वगैरह जो है वो डाल सकते हो। उसके बाद में फ्रॉम शर्मा फैमिली, देखिए जैसे कि मान लीजिए ये शर्मा, तो शर्मा फैमिली से ही होना चाहिए। कई बार क्या लिखा होता है, कास्ट नो बार, कास्ट नो बार, कोई भी कास्ट से
वो हो सकता है। उसके बाद में नो डोरी, कोई भी डोरी वाला सिस्टम नहीं है, ये आप लोग उसमें मेंशन कर सकते हो। कॉन्टेक्ट विद, किससे कॉन्टेक्ट करना है, यहाँ ये इसका क्या है, कंप्लीट बायोडाटा एंड रिसेंट फोटोग्राफ, ओके टू रविदास रिटायर्ड इम्प्लॉय, यहाँ पे ये इसके कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ पे क्या है इसकी ये जो मेल है, यहाँ एड्रेस वगैरह कुछ भी आप डाल सकते हो। मैंने आपको बताया जिस तरह से कि भाई एक एड्रेस है, अच्छा सा एड्रेस है वो आपके पास में यहाँ होना चाहिए, और फिर इसको आपको क्या करना है, बंद करके रख देना है। तो डियर यहाँ आपको समझना है कि ये सारी सारी जो चीजें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और आप यहाँ इजिली इनको क्या कर सकते हो, समझ के और अपने एग्जाम में से 4 out of 4 marks यू कैन गेट। तो इस तरह से मैंने आपके सामने ये जो एडवर्टाइजमेंट है जो आपका 4 marks का पूछा जाएगा ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो दैट्स व्हाई आपको ये अच्छे से लर्न करना है एंड यू हैव टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।